बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी मैंने 3 ड्रेस लिए थे सेम कपड़े में, 2 पीस। इनसे मैंने 3 फ्राकें तैयार की हैं, बहुत ही प्यारी। इनकी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन तीनों ड्रेसेस की मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक ये ड्रेस है, ये 2 पीस सूट मैंने लिए थे और इसके साथ दुपट्टे लिए थे अलहदा से। ये एक फ्रॉक मैंने स्टिच की है, बहुत ही प्यारी, इस तरह से खुले घेर वाली कलियाँ डालते हुए। ये फ्रॉक कलियों वाली बनी है, बहुत ही खुले घेर में, और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। इसके ऊपर मैंने ये पट्टी अटैच की है, इसके साइड पे मैंने लेस रखते हुए अटैच की थी। पहले मैंने नीचे ये फ्रिल अटैच की थी, इसे गुलाई में कपड़े को कटाई कर लिया था, उसके ऊपर ये लेस अटैच करते हुए नीचे वाले कपड़े के साथ अटैच कर दी थी। माशाल्लाह इससे इसकी खूबसूरती बढ़ी है। बच्चियों को ये बहुत ही प्यारे लगते हैं गले फ्रिल वाले। और नीचे सिलाई लगाते हुए इसकी मैंने डबल सिलाई कर दी थी। ऊपर से मैंने इसकी चौड़ाई ली है 19 इंच, नीचे से 18 इंच। ये मैंने खुली खुली फ्रॉक तैयार की है। 15 इंच मैंने इसकी लंबाई ली थी, ये फ्रिल लगाते हुए 1.5 इंच इसकी लंबाई में कमी हुई है। और अब इसकी लंबाई जो है 13.5 इंच बनी थी, और सिलाई करने के बाद 13 इंच से थोड़ी सी कम हुई है। जहाँ पे मैंने जो कलियाँ डाली हैं वो मैंने 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए डाली हैं। 3 पीस थे डबल फोल्ड, उनसे कलियाँ तैयार की थी। 3 कलियाँ जो हैं डबल बनी थी और 6 कलियाँ सिंगल। बाजू भी बहुत ही प्यारे बने हैं, बाजू के ऊपर लेस अटैच की है, नीचे से इसका गियर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है खुला इस तरह से। ये इसकी बैक साइड है, इसके ऊपर मैंने छोटी छोटी सी पलोइयाँ भी डाली हैं यहाँ पे, तकरीबन 3-3 इंच की। बैक और फ्रंट साइड पे, दोनों साइड पे मैंने पलोइयाँ डाली हैं इसके ऊपर। ये नीचे से इसका गियर है, ट्रोज़र मैंने इसके साथ सिलाई की है। इसकी चौड़ाई नीचे से 5 की रखी है 6 इंच, ऊपर से इसकी चौड़ाई है 15 इंच। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ट्रोज़र बना है। ऊपर से यहाँ से मैंने 11 इंच इसकी चौड़ाई रखी थी, और गुलाई में ये निशान मैंने लगा लिया था। और माशाल्लाह ट्रोज़र भी इसके साथ बहुत ही प्यारा बन गया। ड्रेस माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। ये इसके साथ मैंने दुपट्टा लिया था, उसके ऊपर मैंने इसके कलर की ही लेस लगा दी है, और फ्लावर के साथ मैच करके मैंने दुपट्टा लिया था। इस तरह से घर में बच्चियों के लिए ड्रेस बनाई, बहुत ही प्यारी लगती है। 3 पीस सूट लेने से इस तरह से 2 पीस सूट लें और बच्चियों के ड्रेस बनाई। ये तकरीबन 16 से 17 साल की बच्ची का ड्रेस मैंने बनाया। ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह ड्रेस बहुत ही प्यारा बना है, और खुले घेर वाली फ़्राक बनी है, और बिल्कुल भी कपड़ा ज़ाया नहीं हुआ, और बहुत ही आसान तरीके से ये बनी है। इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर फ्रिल लगी हुई है, बहुत ही प्यारी लगी है। एक ये ड्रेस है, ये भी 2 पीस ही मैंने ड्रेस लिया था सेम कपड़े में, ट्रोज़र भी इसके साथ इसी तरह का है। इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, इसके ऊपर भी मैंने फ्रिल लगाई है, इसके ऊपर दोनों साइड पे लगाई है, दरमियान से डबल फोल्ड करने के बाद 4 इंच ऊपर से मैंने छोड़ा था, 3.5 इंच नीचे से, ऊपर से इस तरह से खोलने के बाद 8 इंच ऊपर से और 7 इंच नीचे से, और फ्रिल लगाने के बाद इन पीसेस को आपस में अटैच कर लिया था, और नीचे ये डोरी भी मैंने साथ ही लगा दी थी। बहुत ही प्यारी ये फ्रिल लगी है, इसकी साइड से बॉर्डर उतरा था छोटा सा, उसकी मैंने ये फ्रिल तैयार की है, और चोंच डालते हुए इसके ऊपर अटैच कर दी है। उसी बॉर्डर में से ये मैंने डोरी भी तैयार कर ली थी चौड़ाई में थोड़ी सी। माशाल्लाह नीचे से बहुत ही प्यारी लगती है। इस तरह से हम बांध के इन तनियों को फिटिंग भी दे सकते हैं,
ये मैंने बाजू तैयार किए थे, बाजू जो है लंबाई में थोड़े से कम थे तो मैंने लेस दरमियान में लगा दी और नीचे बटर अटैच कर दिया डबल फोल्ड करते हुए। ये नीचे से इसका घेर है, ये थोड़ा सा कपड़ा काम था तो मैंने इस तरह का इसको स्टाइल दे दिया। नीचे भी मैंने फ्रिल लगा दिया और ऊपर भी, ये नीचे वाली फ्रिल जो है इसके ऊपर भी बिल्कुल छोटी छोटी सी चोंच डाली है। इसकी दोनों साइड पे पीस मुझे डालने पड़े थे, एक मैंने ट्राउज़र की साइड से कटाई किए थे जो पीस उनमें से पीस डाला है और एक जो पेटी में से निकले थे वो पीस डाले हैं। इसकी लंबाई बनी है 44 इंच, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। दरमियान से मैंने डबल फोल्ड करने के बाद 3 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लिए थे। यहाँ पे मैंने 3-3 इंच लंबाई में रखते हुए ये प्लेट्स डाले हैं, साथ ही मैंने ये पीस भी नीचे रख लिया था और सिलाई लगा दी थी। ये नीचे से इसका घेर है, इसका घेर भी नीचे से खुला बन गया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक बनी है। ये इसके साथ ट्राउज़र है, ट्राउज़र भी इसके साथ बहुत ही प्यारा बना है। इसी तरह से कटाई भी मैंने एक ट्राउज़र की वीडियो अपलोड की हुई है, अब मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये इसके साथ दुपट्टा है, ये भी 2 पीस ही सूट था तो इसके साथ मैंने ये दुपट्टा मैच करके, ये भी दुपट्टा मैंने फ्लावर के साथ ही मैच किया था और इसके ऊपर लेस लगवा दी थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन गया। इसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये इसकी फाइनल लुक है पहनने के बाद, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन गया। और इस तरह के ड्रेस कम कपड़े से भी हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस ड्रेस का तो बहुत ही थोड़ा सा कपड़ा था जिससे मैंने ये तैयार किया, इसकी फ्रॉक मैंने थोड़ी सी शॉर्ट शॉर्ट बनाई है इस तरह की, इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी थी। इसकी पेटी का कपड़ा कम था, अगर डबल करती तो फ्रॉक जो है उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाता, तो इसके दरमियान में पीस डालते हुए इसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग कर दी ट्राइंगल लगाते हुए और साथ में इसके दरमियान में डोरी डाल दी तो इससे इसकी खूबसूरती बढ़ गई। यहाँ पे साइड पे मैंने लेस लगा दी इस तरह से, नीचे भी इसके लेस लगाई है, इसका घेर थोड़ा कम ही बना है। पहना हुआ ये भी बहुत ही प्यारा लगा, ये इस तरह से इसके ऊपर मैंने लेस अटैच की नीचे और ऊपर वाली साइड पे फ्रिल अटैच कर दी, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। ये इसकी बैक साइड है, ये भी 2 पीस ही सूट था। ये इसके साथ प्लाजो है, प्लाजो की इतनी ज़्यादा खुलाई मैंने नहीं रखी, 11 इंच से मैंने खुला रखा है, 12 इंच मैंने इसकी चौड़ाई लेते हुए इसकी कटाई कर दी थी, 11 इंच पे मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी। माशाल्लाह ये भी ड्रेस बहुत ही प्यारा बना है। इसके साथ मैंने ब्लैक दुपट्टा लिया स्टालर इस तरह का, माशाल्लाह ये भी ड्रेस बहुत ही प्यारा बना है। ये सारे ड्रेसेस की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है वो भी आप देखें, चैनल का विज़िट करें। ये इसकी फाइनल लुक है पहनने के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।